ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, इसमें उद्धव ठाकरे की अयोध्या दौरे को लेकर एक इंडिकेशन मैं आपको यहां पर दे दूं कि जो ये पहले संजय राउत का योगी आदित्यनाथ जी से मिलना और उसके बाद उद्धव ठाकरे का यहाँ पर रामलला का दर्शन करना, ये एक प्रकार से एक इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है कि जो त्रिकोणीय सरकार चल रही है, यानी ट्रायंगुलर सरकार जो चल रही है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही 29 मार्च के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होगी और देश हित के लिए चेंज होना ज़्यादा बेटर होगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि भारत की लगन कुंडली से दशम स्थान पर मंगल, बृहस्पति और शनि की युति होने वाली है। और जब जब मंगल, बृहस्पति और शनि की युति होती है तो जिस देश के लिए ये कारक होते हैं वहाँ के लिए ये अच्छा रिज़ल्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी का, वैसे भी 19 मार्च के बाद टाइम अच्छा स्टार्ट होने वाला है, जिसका असर आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देगा। तो जब ये शपथ समारोह लिया गया था उसी समय मैंने आप लोगों को पहले भी अपडेट कर दिया था कि 24 जुलाई से ज़्यादा ये उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं जाने वाली है और ये सरकार अब फंस चुकी है बीच में। एक तरफ तो मुस्लिम को आरक्षण देकर एनसीपी के साथ हाथ मिलाना चाहती है और दूसरे तरफ बीजेपी से नाता तोड़कर हिंदुत्व केवल बीजेपी के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, ऐसे बयान देकर उद्धव ठाकरे दो तरफ का जो गेम खेल रहे हैं, इसमें जो न्यायाधीश हैं यानी शनि हैं, अब इनको बहुत जल्दी दंडित करने वाले हैं और ये सरकार 24 जुलाई से पहले पहले गिर जाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। डेट में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन ज़रूर हो सकता है, जैसा कि आपने अभी भी देखा था शेयर मार्केट की भविष्यवाणी मैंने की थी नवंबर दिसंबर के लिए गिरने के लिए, लेकिन ये घटना मार्च और फरवरी मार्च के आसपास हुई, यानी 3 मंथ अप डाउन रही। तो मैं अभी भी ये डेट मान के चल रहा हूँ 24 जुलाई तक ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी भविष्यवाणी पर अभी भी कायम हूँ और एक प्रकार से ये रिकैप दे रहा हूँ जिससे कि कोई निगेटिविटी ना डेवलप हो और ये सरकार निश्चित रूप से गिरेगी, ये मेरी भविष्यवाणी है और मैं पूरा कॉन्फिडेंट उस चीज़ के लिए। क्या मुद्दा बनेगा ये धीरे धीरे समझ में आप लोगों को भी आ रहा होगा। शिवसेना ऐसे जगह फंस चुकी है, ना वो आगे बढ़ सकती है ना वो पीछे जा सकती है, हिंदुत्व का भी मोर्चा नहीं छोड़ना चाहती और मजबूरी में एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर बैठना और मुस्लिम बैंकिंग, वोट बैंकिंग के लिए जो है वो जो गेम खेल रही है, ये दोनों तरीके से दो नावों पर सवार होकर जा रही है, तो ऐसे सरकार का गिरना स्वाभाविक सा होगा। और ये 29 मार्च के बाद कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाएगा मार्केट में और ये न्यूज़ चैनल पे आप खुद देखिएगा और इसके सत्य होने के बाद मैं इसको ज़रूर अपडेट करूँगा। भले ही 3 मंथ से ज़्यादा सरकार ये चल चुकी है, लेकिन फिर भी 6 मंथ से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलने वाली है। मैंने डेट 24 जुलाई का दिया हुआ है, लेकिन डेट में कुछ वेरिएशन, 1-2 मंथ का अप डाउन हो सकता है, तो कृपया करके इस डेट को नोट कर लीजिए और ये निश्चित रूप से सरकार गिरने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।